Viewers, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, we are here with your favorite program, Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. Our today's program consists of Ayat number 39 and 40 of Surah Yusuf. So, as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses. And you are requested to listen to these verses attentively and silently so that God's blessings may shower upon us. <laughs>

this is the second segment of our program and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me ya sahiba yissijni. ya sahiba يسجني يا صاحب السجن أرباب متفرقون أرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار मबूुदूना मबूुदादी ही यहाँ पर लफ्स दूनी ही पर मार्क ऑफ प्रोलॉन्गेशन है जो कि क़द्र थिन या बारीक लिखा हुआ है इसको हम तीन अलिफ की मकदार तक प्रोलोंग कर सकते हैं ही इलाम यहाँ पर इल्ला के लफ्ज पर देखते हैं यहाँ पर भी साइन ऑफ मार्क ऑफ प्रोलॉन्गेशन है असमान मीम पर भी आप देखें कि मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन है लेकिन इल्ला पर जो मार्क है वो क़दर थिन है जबकि अन पर थिक करके मोटा करके लिखा हुआ है इसका फ़र्क ये है कि जो बारीक लिखा हुआ हो मध या मार्क ऑफ़ प्रोलॉगेशन उसको तीन अलीफ़ की मकदार तक हम तवील कर सकते हैं प्रोलॉन्ग कर सकते हैं जबकि जो क़दर थिक या मोटा लिखा हुआ हो उसको हम पाँच से छः अलीफ़ की मकदार तक प्रोलॉन्ग करके पढ़ते हैं इल्ला... asma'an illa asma'an sammaytumuha antum wa aba Kumah angzalallahu wa abahukumah angzalallahu biha min Sultan. سلطان إلا إلا لله. अगर वक्फ करेंगे यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो फिर हम पढ़ते हैं लिल्लाह, फिर जो हरफ़ हा है अल्लाह के लाम के आखिर में इसकी फक़त हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं इस पर कोई हरकत नहीं पढ़ते बल्कि साकिन करके पढ़ते हैं लिल्लाह, और अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर इस हर्फ़ की यानी हा की हम हरकत जो कि जेर की सूरत में है वो भी पढ़ते हैं लिल्लाही أمر أمر ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا إياه إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن ولكن أكثر الناس أكثر الناس la la and this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in a roman calligraphic for those who are unfamiliar with arabic alphabets and this is this exercise is followed by urdu and english translation

متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إن Roman: أرباب متفرقون خير

मै ताबूना मीदूनी ही इलास्मा अंक और अगर यहाँ पर वफ़ करेंगे तो असमा आप पढ़ेंगे और अगर कंटिन्यू करेंगे तो इल्ला अंक जिन चीजों की तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है Those whom ye Sultan. In German, Sametum antum, wa ababukum. हू الله अब ما अंग الله بها من سلطان जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं खुदा ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की इन इंग्लिश यू एंड योर फादर्स अल्लाह हैथ रिवील्ड नो सैंक्शन फॉर देन इन ही लासि किराम अक्सर में कायदा बताता चलता हूँ कि अल्लाह का हमेशा पुर करके मोटा करके अल्लाह इस तरह पढ़ा जाता है उससे पहले ज़बर हो या पेश हो लेकिन अगर, अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो उस सूरत में हम इसको बारीक पढ़ते हैं यानी अल्लाह इस तरह नहीं बल्कि लिल्लाही। अब आप देखें अल्लाह के नाम से पहले लाम है उसके नीचे ज़ेर है इसलिए अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ते हैं फ़कत इसी सूरत में जबकि इससे पहले ज़ेर हो लमा लिल्लाह। लिल्लाह। खुदा के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है उसने इर्शाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो द ओनली Who hath commanded you that ye worship none save him? <laughs> दीन अक यही सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते नाजी कराम हमारे सबक का आखिरी पोर्शन जो कि तफसीर कुरान पर यानी जो आयात तिलावत की हैं उसके मफाहम और मतालिब को जानने की कोशिश की जाती है तो आइये इन आयात में अल्लाह क्या फरमा रहा है ये जानते हैं सूर्य यूसुफ की आयत नंबर उनतालीस और चालीस में हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ आम अल्लाह की तोहद का खुतबा और परचम बुलंद कर रहे हैं अपने क़ैद में जो साथी हैं उन्होंने जब अपने ख़्वाब की तबीर का हाल पूछा तो आपने कहा कि मैं यकीनन तुम्हें बताऊंगा लेकिन इससे पहले आप अल्लाह की तबलीग कर रहे हैं और हर नबी जब भी इस दुनिया में आया तो उसने सबसे पहले अल्लाह की तबलीग का परचम बुलंद किया है चुनाच हज़रत यूसुफ आलम के ज़माने के जितने भी लोग थे वह आम तौर पर अनासर कबाकिब यानी चाँद और सूरज के नामों के बुध बुत बना लिया करते थे या पिछले जो नेक लोग गुजरे थे उनके नामों के बुत बनाकर उनकी पूजा या इबादत किया करते थे हज़रत यूसुफ़ सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह एक है उसकी इबादत करना बेहतर है या जितने लोगों के तुम नामों से बुत बना लिए हैं या इन बुतों की इबादत बेहतर है आज भी हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में बहुत से लोग बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाते हैं और वहाँ जाके उनकी तज़ीम बजा लाते हैं उनमें हम में एक वाज़ फ़र्क मौजूद है कि वो उनकी इबादत किया करते थे नेक लोगों की बल्कि हम फ़क़त उनकी तज़ीम किया करते हैं और कुरान में मुतद अहकाम हैं कि इबादत फ़क़त अल्लाह की जाती है और अगर हम इलाह मानकर मबूद मानकर खालिक मानकर अगर तज़ीम करें तो ऐसी तज़ीम इबादत कहलाया करती है और इबादत फ़कत रब की की जाती है लेकिन अगर हम नबी मानकर वली मानकर अल्लाह का नेक बंदा मानकर अपने इस मानकर वालदे समझ के उनकी तज़ीम करते हैं तो यही न तोहेद है और इसका हुक्म रबाल हमें अता फ़रमा रहा है तो यूसुफ़ आम बता रहे हैं कि नेक लोगों की तज़ीम तो की जाती है लेकिन इबादत फ़कत एक वहदूला शरीर रबल की जाती है चुनाचे इन आयात में हमें अल्लाह की वहदानियत और यकताई का दर्स मिल रहा है दुआ कीजिए अल्लाह तबहारा का मताल हमें हर किसी की बचकर हर कजी और कजरवी से बचकर फकत अपनी इबादत करने की तोफ़ी अतः फरमाए हमारे आज के आ, सबक का वक्त ख़त्म होता है इन शजीज़ फिर कल नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि

आइए हसब मामूल पहले तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमी समात फरमाते हैं قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله झीमी कलम आपने तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को समात फरमाया आइए अब इन्हीं आयात को तलफ़ करके लफ्स बलफ्स इनको पढ़ते हैं और आपसे दरख्वात करते हैं कि आप भी हमारे साथ इसको दोहराते जाएँ ताकि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का सही तरीन मखरज और सही तिलावत आप भी सीख सकें अल्लाह तबारा के वाली हमें कुरान सही पढ़ने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ आमीन सी जीनी يا صاحب السجن أما أحدكما أحدكما فيسقي فيسقي ربه خمرا خمرا وأما الآخر وأما الآخر فيصلب

तो उस सूरत में हम इस हा की हरफ हा की हरकत को जो कि जेर की सूरत में है इसको नहीं पढ़ते बल्कि हा को हम साकिन करके पढ़ते हैं इस तरह मिर सिलिगिय الامر الذي قضي الامر الذي فيه فيه تستفتيان تستفتيان تستفتيان, تستفتيان लिलवी लिलवी और नून पर अगर तशदीद हो या मीम पर तशदीद हो तो दोनों सूरतों में हम गुन्ना करते हैं यानी नेज़ल साउंड को हम डामिनेट करते हुए आवाज को अपनी नाक में ले जाते हुए हम इसको पढ़ते हैं गहू अहू न नाजिंग नी منه مذكرني، منه مذكرني، ناج منه مذكرني، عند عند ربك और अगर वक्फ करें रुकना चाहें तो फिर हम रब्बिक यानी काफ को साकिन करते हुए पढ़ेंगे अब الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فلبث في السجن في السجن बेबुआ सी नी नी नाजी कराम हमारे सबक का तीसरा मरहला और इसमें हम क़ुरान की आयत को आपकी स्क्रीन पर पेश करते हैं इसके साथ साथ रोमानाइज़ करके भी वही आयत लिखी होती है और फिर उसका उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन और तर्जमा भी आप समात फरमाते हैं तो आइए इस मरहले का आगाज़ करते हैं गो इन يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمغا

فايسلب فتاكل الطيغ من رأسه. In Roman: وأن الآخر فايسلب فتاكل الطيغ. और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और जानवर उसका सर खा खा जाएंगे ही विल قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إن Roman قضي قضي الأمر الذي ट्रांसलेशन जो अम्र तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुका है दस इज द केस जज्ड कंसर्निंग विच येड इनख्वाया وقال للذي ظن أنه عاد منه من عند ربك إن Roman وقال للذي Wanna Angahu Nadin Nadin Minhu Nadin Minhu Inda और दोनों शख्सों में से जिसकी नस्बत यूसुफ ने खयाल किया वो रिहाई पा जाएगा उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी करना released, ही न्यू me in the presence प्रेजेंस ऑफ Lord. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. In Roman فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ذكر ربه فلبث في السجن في السجن بضع بضع सीनीन। लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई वर्ष जेल खाने ही में रहे so नाजी क्राम हमारे प्रोग्राम का आखिरी मरहला और इसमें सूर यूसुफ़ की आयत नंबर इकतालीस और बयालीस में जो कुछ बयान किया गया उन आयात की मुख्तसर सी और एक्सप्लेनेशन आपकी ख़िदमत में अर्ज है इनसे पिछली आयात में बताया गया कि यूसुफ आलाम जब क़ैद खाने में थे जब जेल में थे तो उनके साथ मजीद जो कैदी थे उनके साथ जिस कोठरी में थे वो उसके साथ दो क़ैदी और थे उन कैदियों ने हज़रत यूसफ़ आल्लाम से अपना ख्वाब बयान किया और कहा कि इनकी ताबीर हमें बता दीजिए यूसुफ आई ने ताबीर बताने से पहले अल्लाह की वहदानियत का खुतबा दिया और उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की तल्न की और अब इन आयात में उनके ख्वाब बयान करदा ख्वाब की ताबीर बयान की जा रही है जिस शख्स ने यह कहा था कि मैंने देखा है कि तीन अंगूर के खोशे हैं और मैं उनको नचोड़ रहा हूँ अली अमाम ने फरमाया कि तीन होशों से बुराद ये है कि तीन दिन के बाद तुम्हें रिहाई मिल जाएगी और जिस तरह तुम पहले बादशाह की ड्रिंकिंग पर मामूर थे यानी उसको अंगूर की शराब पिलाने पर मामूर थे तुम साकी थे इसी तरह वह मनसब तुम्हारा बहाल हो जाएगा जबकि दूसरा साथी जिसने ये कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर तीन रोटियाँ रखी हुई हैं और आसमान के परिंदे आकर उसको खा रहे हैं तो हज़रत यूसुफ़ ने उसके ख्वाब की तबीर ये बयान की कि तीन दिन के बाद तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा हैंग कर दिया जाएगा और परिंदे आकर तुम्हारे गोश्त को खाएँगे नोचेंगे तो नाचे ये दोनों के ख्वाब की जब तबीर बयान की गई तो उन्होंने कहा कि हम तो फकत आपको आजमाना चाहते थे और हम इस डिलिमा की कश्मकश कश्म में मुबतला थे कि आया आप हक पर हैं या आप हक पर नहीं हैं लिहाजा ये ख्वाब तो फकत हमारी स्टोरी था हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन यूसुफ़ आम अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के नबी थे आपने फ़रमाया कि मेरी ज़बान से जो कुछ निकल चुका है अब तो वही होकर रहेगा तो मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह के नेक बंदे ज़बान से लफ्स निकाल दिया करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताली उनके अदा किए हुए अल्फाज पर तकदीर को वैसे ही मुतन फ़रमा दिया करता है हालांकि वो ख्वाब नहीं थे लेकिन नबी को आज़माने के लिए कहा गया नबी की ज़बान से जो कुछ अदा किया गया अल्लाह तबारक वाल की हिमत व मशीत बन जाया करता है और अल्लाह के अम्बिया के मतलब कुरान में फ़रमाया मेरे आका हजूर अक्रम सल्ह वसम के मुतिक फ़रमाया गया कि मा यतिकवा व यू है कि आप अपनी ज़बान से जो कुछ अदा करते हैं हकीक़त में वो वही के जरिए क़ल मुस्तफा पर नाजिल होता है और ज़बान मुस्तफा से जारी सारी हुआ करता है लिहाजा अल्लाह के नबी जो फरमा दिया करते हैं अल्लाह तबारक व ताली उनको हक साबित फ़रमा दिया करता है और फिर आयत नंबर बयालीस में फ़रमाया गया कि हज़रत यूसुफ़ आम ने वो शख्स जो साकी था जो ड्रिंकिंग पर मामूर था उससे कहा कि तीन दिन के बाद रिहाई मिल जाएगी तो अपने किंग के सामने अपने बादशाह के सामने जाकर मेरी इस हकायत को बयान करना कि मैं किस तरह ख्वाब की तबीर बता दिया करता हूँ तो इस आयत में कहा गया कि शैतान ने उसको भुला दिया और बास मुफसन ने फरमाया कि चूंकि हज़रत यूसुफ आल्लाम ने उस साकी से कहा कि तुम मेरी मदद करना और उस बादशाह को जाकर बता देना तो अल्लाह तबारक ने इसी वजह से सात साल तक उस साकी को भुला दिया और वो उस खाब की तबीर अपने बादशाह के सामने बयान न कर सका यूसुफ इस्लाम सात साल मजीद क़ैद में रहे इस आयत के हिस्से को पढ़कर यह तसुर आता है कि मखलूक से मदद मांगना गालिब मना है लेकिन कुरान की मतदद आयात में हम देखते हैं कि मखलूक से मदद मांगने की तलकिन भी की गई जिस तरह हुक्म हुआ वनबिर बेकी और तकबे के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो इसी तरह कुरआन में हुआ कि मन अनसर तारी मूसा सलाम अपनी कौम से मुखातिब हैं कि अल्लाह के कामों में कौन कौन मेरे मददगार है इसी तरह कुरान में हम देखते हैं कि फ़ैनल म मऊला व जबरीलू वालिमिन अल्लाह का हुक्म है कि बेशक अल्लाह मददगार हैं अमीन मददगार हैं और नेक मोमिन मददगार हैं और फिर इसी तरह कहा गया इनमा वलीमिल्लु रसूलू वदीन आमन लल्ली ज़का के बेशक अल्लाह मददगार है नेक लोग मददगार है नबी मददगार है रसूल मददगार है और वो लोग मददगार हैं जो रुकू करते हैं जो सुजूद करते हैं और जो ज़कात देते हैं तो मालूम ये हुआ कि हम अगर मखलूक से भी मदद लेते हैं तो ये मदद मजाजन होती है हकीकी मदद दरअीक़त हम अल्लाह ही से मांग रहे होते हैं लेकिन यूसुफ़ आल असलाम नबी हैं और तमाम अम्बिया तवक्ल के अला मकाम पर फाइज़ हो होते हैं लिहाजा नबी इतने आला मकाम पर फ़ाइज़ होकर जब किसी बंदे से मदद तलब करता है तो यकीन ये अम्र बाई से इताब बन जाया करता है चुनाचे यूसुफ आम सात साल मजीद क़ैद में रहे लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने इन आयात में हमें ये सबक दिया कि हम अगर किसी से मदद मांगें किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी वली के पास जाते हैं तो हमें उनसे मदद ज़रूर मांगनी चाहिए लेकिन मजाजन जहन में ये होना चाहिए कि हकीकी मददगार हमारा रब जुलजाल ही है यही तालीम है और यही हमारा सबक है सबक का वक्त ख़त्म हुआ इजाज़त दीजिए अल्लाह तबारा का हर लमहे ज़िंदगी के हर लमहे में हमारी मदद फरमाए कल इन शाजिर खिदमत होंगे अल्लाह मेरा और आपका निगहबान रहे